हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इन्फिनिक्स GT 10 Pro 5G स्मार्टफोन को कंपेयर करेंगे Vivo T2 5G स्मार्टफोन के साथ में। ये दोनों स्मार्टफोन आपको सिमिलर प्राइस रेंज में देखने को मिलते हैं, इसी वजह से हम इस वीडियो में इन दोनों स्मार्टफोनों का कंपैरिजन करें और जानेंगे कि इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन बेहतर है। सबसे पहले अगर बात करें प्राइस और वेरियंट की, तो इन्फिनिक्स GT 10 Pro 5G स्मार्टफोन में आपको एक ही वेरियंट देखने को मिलता है, 8GB प्लस 256GB, जो कि आपको यहाँ पर 20,000 रुपए में देखने को मिल रहा है। जबकि Vivo T2 5G स्मार्टफोन में आपको दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, 6GB प्लस 128GB जो कि आपको 19,000 रुपए में देखने को मिलता है, और 8GB प्लस 128GB जो कि आपको 21,000 रुपए में देखने को मिल रहा है। Infinix GT 10 Pro 5G स्मार्टफोन में मिराज सिल्वर और साइबर ब्लैक कलर दिए गए, जबकि Vivo T2 5G स्मार्टफोन में नीट्रो ब्लेज और वेलोसिटी वेव कलर दिए गए, जो कि एक ग्रीन कलर है जबकि दूसरे वाला एक ब्लैक कलर है। तो यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन में आपको दो कलर वेरिएंट देखने को मिलते हैं। डिजाइन की अगर बात करें तो रियर साइड में आपको Vivo T2 5G स्मार्टफोन में प्लास्टिक का बैक देखने को मिलता है, जबकि Infinix GT 10 Pro 5G स्मार्टफोन में आपको ग्लास बैक तो देखने को मिलता है, साथ ही आपको यहाँ पर एक यूनिक डिजाइन देखने को मिल रहा है, जैसा कि आपको नथिंग के स्मार्टफोन में देखने को मिलता है। फ्रंट डिजाइन की अगर बात करें तो Infinix GT 10 Pro 5G स्मार्टफोन में पंच होल डिजाइन दिया गया, जहां पर आपको 6.67 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया, जो कि 120Hz रिफ्रेश रेट और 240Hz टच सैंपलिंग रेट के साथ आता है। जबकि Vivo T2 5G स्मार्टफोन में 6.38 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया और यहां पर आपको आउटडेटेड ड्यू ड्रॉप नोच देखने को मिल जाता है, साथ ही 90Hz का रिफ्रेश रेट और 180Hz का टच सैंपलिंग रेट का सपोर्ट दिया गया है। तो देखो, यहां पर डिजाइन और डिस्प्ले दोनों में ही Infinix का स्मार्टफोन बेहतर है, क्योंकि यहां पर बड़ी सी एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, साथ ही यहां पर आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट और यहां पर पंच होल डिजाइन देखने को मिल जाता है, जो कि अभी ट्रेंडिंग में है। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो Infinix GT 10 Pro 5G स्मार्टफोन में Dimensity 8050 प्रोसेसर दिया गया है, जिसका अंतत स्कोर 6,50,000 से अबव देखने को मिलता है, जबकि Vivo T2 5G स्मार्टफोन में Snapdragon 695 प्रोसेसर दिया गया है और जिसका अंतत स्कोर लगभग 4,50,000 के आसपास देखने को मिलता है। तो यहां पर आपको परफॉर्मेंस क्लियरली Infinix GT 10 Pro 5G स्मार्टफोन में आपको बेहतर देखने को मिलेगी, क्योंकि यहां पर आपको पावरफुल प्रोसेसर दिया गया है और यहाँ पर आपको इन दोनों स्मार्टफोन में एंड्रॉइड 13 के साथ साथ LPDDR4X रैम टाइप और UFS 2.2 स्टोरेज टाइप का सपोर्ट भी दिया गया है। बात करें अगर कैमरे की, तो Infinix GT 10 Pro 5G स्मार्टफोन में आपको रियर साइड में ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें मेन सेंसर आपको 108 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है, साथ ही 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर दिया गया है। जबकि Vivo T2 5G स्मार्टफोन में आपको रियर साइड में ड्यूल कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें मेन सेंसर आपको 64 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, लेकिन यहां पर आपको OIS का सपोर्ट दिया गया है, साथ ही यहां पर आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। फ्रंट कैमरे की अगर बात करें तो Infinix के स्मार्टफोन में आपको 32 मेगापिक्सल के फ्रंट कैमरे का सपोर्ट दिया गया है, जबकि Vivo T2 5G स्मार्टफोन में आपको 16 मेगापिक्सल के ही फ्रंट कैमरे का सपोर्ट देखने को मिलता है। Vivo T2 5G स्मार्टफोन के साथ आप मैक्सिमम फुल HD वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, जबकि Infinix GT 10 Pro 5G स्मार्टफोन में आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर ओवरऑल कंपैरिजन में बोलूंगा कि Infinix का स्मार्टफोन बेहतर है, क्योंकि 108 मेगापिक्सल का सेंसर दिया गया, साथ ही फ्रंट में भी आपको 32 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिल जाता है और 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी दिया गया, जबकि आपको यहाँ पर Vivo के स्मार्टफोन में बस एक ही चीज अच्छी देखने को मिल रही है कि यहाँ पर आपको OIS का सपोर्ट दिया गया है। बैटरी और चार्जिंग की अगर बात करें तो Infinix GT 10 Pro 5G स्मार्टफोन में आपको 5000mAh की बैटरी दी गई है, साथ ही 50W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है, जबकि Vivo T2 5G स्मार्टफोन में आपको 4500mAh की बैटरी और 44W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। तो यहाँ पर चार्जर तो दोनों स्मार्टफोन में सिमिलर देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है Infinix GT 10 Pro 5G स्मार्टफोन के साथ में। मल्टीमीडिया की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको दोनों स्मार्टफोन में 3.5mm ऑडियो जैक का सपोर्ट और वाइडबैंड 11 का सपोर्ट दिया गया है। Infinix GT 10 Pro 5G स्मार्टफोन में आपको ड्यूल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट दिया गया है, साथ ही हाई रेस ऑडियो का सर्टिफिकेशन भी देखने को मिल जाता है, जबकि Vivo T2 5G स्मार्टफोन में आपको यहाँ पर मोनो स्पीकर का ही सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आपका मल्टीमीडिया का एक्सपीरियंस क्लियरली Infinix GT 10 Pro 5G स्मार्टफोन के साथ बेहतर रहने वाला है। बात करें कनेक्टिविटी और सेंसर्स की, तो दोनों स्मार्टफोन में आपको सिमिलर सेंसर्स देखने को मिलते हैं और यहाँ पर आपको दोनों स्मार्टफोनों में NF5G के बैंड दिए गए हैं। Infinix GT 10 Pro 5G स्मार्टफोन में आपको Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 और NFC का सपोर्ट दिया गया, जबकि Vivo T2 5G स्मार्टफोन में आपको Bluetooth 5.1 और Wi-Fi 5 का ही सपोर्ट दिया गया है। तो यहाँ पर आपको कनेक्टिविटी लेटेस्ट देखने को मिलेगी Infinix के स्मार्टफोन के साथ में। तो अगर मैं ओवरऑल कंपैरिजन की बात करूँ, तो यहाँ पर हर एस्पेक्ट में क्लियरली Infinix GT 10 Pro 5G स्मार्टफोन बेहतर है, चाहे कैमरा हो, चाहे परफॉर्मेंस हो, चाहे डिस्प्ले हो, चाहे बैटरी हो, सभी चीजों में यहाँ पर Infinix GT 10 Pro 5G स्मार्टफोन बेहतर है। तो अब आप कमेंट करके बताइए कि आपको इन दोनों स्मार्टफोनों में से कौन सा स्मार्टफोन बेहतर लगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।